बीजेपी को पड़ा तमाचा षड्यंत्रों के खेल में, मनीष सिसोदिया आज गर्जना करे उसी की जेल में, ज्यादा दिन तक कैद न कर पाओगे हमने बोला था, उसी समय बीजेपी का भारत में शासन डोला था। देखिए राजनीति में जो भ्रष्ट है उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो ये लोग भाजपा जितने भी हैं, जब ये सुबह उठते हैं ना तो उनके चाय के प्याले में भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी नजर आते हैं। जब ये सोने जाते हैं तो उनके पूरे रात भर ना पूरे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी वो होते हैं। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जमानत ही तो मिले, तो बीजेपी वालों का तो कहना बस ये जमानत मिली है, केस खत्म हो गया तो उनको तो कुछ ना कुछ बकवास करनी है। लेकिन आज देश की जनता पूरी इतनी खुश है, आप ये देखिए कार्यकर्ता इतने जोश में है कि उनके आने के बाद मनीष जी के बहुत ज्यादा हम लोग को अच्छा लग रहा है। और हम 17 महीने बाद आम आदमी पार्टी की आन बान शान मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट द्वारा राहत मिल गई है और दोनों ही मामलों में राहत मिली है। हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली की जनता मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद उनमें किस तरीके का उत्साह है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है किस तरीके से देखा। देखिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे जो शिक्षा मंत्री रहे हमारे मनीष सिसोदिया जी, जिनको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया गया, आज उनको जमानत मिल गई है। आज आप देख रहे होंगे कितना उत्साह है हमारे सारे कार्यकर्ताओं में, कितना लोग खुश हैं, यहाँ तक कि सिर्फ हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, हमारे दिल्ली की जो जनता है वो भी बहुत खुश है। और ख़ास तौर से मैं आपको बताऊं कि कल जब उनकी ज़मानत हुई तो मेरे पास बहुत सारे स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स के फ़ोन आए और उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की, क्योंकि ये मनीष सिसोदिया जी हैं जिन्होंने गरीब बच्चों को ये सपने देखने और उड़ान भरने का हौसला दिया है कि वो भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। आज आप देखें कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनका काया पलट हो चुका है। आज से अगर आप आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले अगर आप देखें तो कैसे हालात थे दिल्ली के स्कूलों के, गंदे टॉयलेट, बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था, टीचर्स टाइम से नहीं आ पा रहे थे। तो ये कहा जा सकता है कि बेहद खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। और सीबीआई लगातार मनीष सिसोदिया को किंग पिन बता रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को ही जमानत मिल गई है जिनको किंग पिन बताया जा रहा है। सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने संविधान को जिंदा रखते हुए हमारे दिल्ली के सबसे लाडले शिक्षा मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को जमानत पर रिहा कर दिया है। और देखिए राजनीति में जो भ्रष्ट हैं उनके ऊपर केस होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं बार बार निवेदन और अपील करूंगा कि दिल्ली की जनता को गुमराह ना करें और उनके विकास के विषय में सोचें। नाले भरे हैं, सड़कें टूट रही हैं, गलियों में, नालियों में, मोहल्लों में काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ के एलजी साहब और जो भारत सरकार है हमारी, मोदी साहब की गवर्नमेंट है, वो एलजी साहब और दिल्ली की सरकार को लड़ाएं ना, अध्यादेश ला करके एलजी साहब के महत्व को ना बढ़ाएं। एलजी साहब तो महामहिम हैं लेकिन दिल्ली सरकार को काम करने दें और मुख्यमंत्री जी को भी इसी तरह से रिहा करें, सुप्रीम कोर्ट का बहुत आभार होगा। देखिए जो गलत आरोप से आपने बंद किया वो सारे आरोप आपके झूठे निकले, और इस तरह से आप जातीय दुश्मनी ना निकालें, इस तरह से आप ये कहना चाहते हैं कि सारे आरोप जो हैं वो झूठे निकले हैं और उन झूठे आरोपों के कारण ही मनीष सिसोदिया जेल के बाहर है। मनीष सिसोदिया को जमानत तो मिल गई है, लेकिन भाजपा अभी भी ये कहती हुई नजर आ रही है कि केवल जमानत मिली। मुझे लगता है कि भाजपा जो ये लोग भाजपाई जितने भी हैं, जब ये सुबह उठते हैं ना तो उनके चाय के प्याले में भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी नज़र आते हैं। जब ये सोने जाते हैं तो उनके पूरे रात भर ना पूरे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी और अरविंद केजरीवाल जी वो होते हैं। मुझे लगता है इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। और देखिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है और सुप्रीम कोर्ट ने, आपने पढ़ा होगा कि किस क्या 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 चीज़ें बोली हैं, तो आज तक इनके पास एक प्रूफ नहीं है। ना संजय सिंह जी को लेकर के इन्होंने एक प्रूफ दे पाए, ना अरविंद जी को लेके प्रूफ दे पाए, ना मनीष जी को लेके दे पाए, और ना जैन साहब को लेके दे पाए हैं। आज भी हमारे लीडरों को जेल के अंदर डाला जा, अभी अरविंद जी जेल के अंदर है, मनीष जी बाहर आए हैं, तो ये लोग अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हम इनके अत्याचारों से डरने वाले नहीं हैं, पूरे जोर शोर के साथ में काम करेंगे। और आपने देखा होगा कि मनीष जी के बाहर आने के बाद में हमारे कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा मनोबल बढ़ा है, और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि नेक्स्ट वीक अरविंद केजरीवाल जी को भी बेल हो जाए, क्योंकि हमें इस देश के संविधान में बहुत विश्वास है, हमें
देश के सुप्रीम कोर्ट में बहुत विश्वास है कि जो भी निर्णय होते हैं सुप्रीम कोर्ट ही अच्छे निर्णय देती है, हमें उन्हीं के ऊपर उम्मीद है। तो हम इस देश के कानून को मानते हैं और मुझे लगता है कि बीजेपी का इस बार दिल्ली में सुपड़ा साफ होने वाला है, हरियाणा में भी सुपड़ा साफ होने वाला है और आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में आ रही है। आप महिला हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या लगता है एक बार फिर से शिक्षा में क्रांति आएगी, जो स्कूलों के रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू? बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा में क्रांति अभी तक चल रही थी और मनीष जी के आने के बाद दुगने जोश से चलेगी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, आपने कहा कि बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि जमानत ही तो मिले, तो बीजेपी वालों का तो कहना बस ये जमानत मिली है, केस खत्म हो गया, तो उनको तो कुछ ना कुछ बकवास करनी है। लेकिन आज देश की जनता पूरी इतनी खुश है, आप ये देखिए कार्यकर्ता इतने जोश में है कि उनके आने के बाद मनीष जी के बहुत ज़्यादा हम लोग को अच्छा लग रहा है और हम दुगनी ताकत से ग्राउंड पे काम कर पाएंगे। मनीष जी की जमानत मिली है, दो लाइनों की बात की जाए तो क्या लाइनें गाएंगे? ये कि बीजेपी को पड़ा तंबाचा, षड्यंत्रों के खेल में मनीष सिसोदिया आज गर्जना करे उसी की जेल में, ज्यादा दिन तक कैद न कर पाओगे हमने बोला था, उसी समय बीजेपी का भारत में शासन डोला था, अभी तो 303 से 240 पर तुम आए हो, धीरज रखो इतना जल्दी क्यों इतना घबराए हो, आज मनीष जी जेल से छूटे केजरीवाल भी छूटेंगे, आपको खत्म करने के तुम्हारे सारे सपने टूटेंगे, हमको पाकिस्तान भेजने वालों को क्या समझाएं, ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए, ऐसा ना हो तुमको ही ये देश छोड़ना पड़ जाए। और जनता ने भारत का सिंहासन जिनको भी सौंपा है, उन्हीं ने मौका पाकर आपकी पीठ पे खंजर घोंपा है, उन लोगों को लगा के केजरीवाल ने सबको जगा दिया, साजिश रच कर फिर उसने शैतानी चाबुक चला दिया, डालो फूट और राज करो गोरों ने ही सिखलाया था, इसी के चलते भारत माँ को नोच नोच कर खाया था, लेकिन अब काले अंग्रेजों ने इसको अपनाया है, फूट डालकर जनता में भारत का भोग लगाया है, अरे ना जाने कितने घावों से हर माँ का सीना छलनी है, तो कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है, कुछ भी हो जाए हमको अब ये तस्वीर बदलनी है। आपने देखा कहीं ना कहीं लोगों में पूरा उत्साह है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के बाहर आते ही तस्वीर बदलने की बात जो है दिल्ली की जनता करने लगी है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करने लगे हैं, तो ये साफ कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया के बाहर आते ही आम आदमी पार्टी में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही जोश देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं भाजपा को करारा जवाब मिलने वाला है। वीडियो जिस प्रकाश के साथ भावना, न्यूज इंडिया, दिल्ली।